सर्दियों में बीटरूट बहुत ही फ्रेश और बहुत ही क्रंची मिलता है और ये सही समय होता है बीटरूट का हलवा बनाने का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूँ मेघा। तो आज हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बीटरूट यानी चुकंदर का हलवा। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम हल्का सा घी डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ चॉप किए हुए काजू, तो इन काजुओं को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इस हलवा में काजू के अलावा और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं जाते हैं, तो आप अगर चाहें तो आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं यानी वॉलनट्स, लेकिन इसमें आलमंड्स वगैरह सूट नहीं करते, तो आप इसमें सिर्फ कैशू भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये रोस्ट हो जाए तो इनको अलग एक प्लेट में निकाल लीजिए। और अब उसी में हम डालेंगे और घी। तो यहाँ पे करीबन मैंने एक टेबलस्पून घी लिया है। और ये मेरे पास है चुकंदर यानी बीटरूट, जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया है। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के बीटरूट लिए थे, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और इसको अब हम रोस्ट करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट और टेंडर नहीं हो जाते। तो बीटरूट का हलवा गाजर का हलवा से ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, क्योंकि बीटरूट जो है थोड़ा सा सख्त होता है। तो आप इसको आराम से मीडियम फ्लेम में पकाते रहिए जब तक कि बीटरूट जो है सॉफ्ट नहीं हो जाता। आप इसको ढककर भी पका सकते हैं, इससे इसका जो प्रोसेस है पकने का वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बीच बीच में चेक करते रहिए और तब तक बीटरूट को पकाते रहिए जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो बीटरूट को हमें यहाँ पे ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि इसमें हम दूध डालकर अभी और इसको कुक करेंगे। तो आइए देखते हैं, बीटरूट अब सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। इसको हम लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। और इस हलवा में हम घी बहुत ही कम ऐड करेंगे, काफ़ी हेल्दी हलवा है। और इसमें हम चीनी की जगह पे गुड़ ऐड करेंगे। तो बीटरूट जब 80% कुक हो चुका होगा तो हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पे मैंने नॉर्मल गाय का दूध लिया है और इसको अब हम मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे जब तक कि सारा दूध जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो जाता और इवेपोरेट नहीं हो जाता। तो बीच बीच में इस हलवा को चलाते रहिए और तब तक इसको कुक कर लीजिए जब तक कि जो दूध है वो अच्छे से रिड्यूस नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बिल्कुल पेशेंटली इसको करिए और ढक ढक कर इसको पकाते रहिए। अगर आप इसको ढक कर नहीं पकाएंगे तो हो सकता है कि जो बीटरूट है वो अच्छे से कुक ना हो, तो इसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो दूध जो है वो आधा इवेपोरेट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो घी हमने डाला था वो भी अब दूध के सरफेस में आ चुका है। इसमें अब हम डालेंगे इलायची। यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची को कूट लिया था और इसको हमने डाल दिया है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे गोटी इलायची को कूट कर डाला है। इसको हम ढक कर फिर से पकाएंगे जब तक कि जो दूध है वो अच्छे से रिड्यूस नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूध ऑलमोस्ट रिड्यूस हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका बीटरूट अभी भी नहीं पका है तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में मैंने मिठास के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मेरे पास जागरी पाउडर है। अगर आपके पास जागरी पाउडर ना हो तो आप नॉर्मल जागरी को भी चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी में चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे जो काजू हमने रोस्ट किया था, आधे काजू को हम अभी डाल देंगे और आधे काजू से हम गार्निश करेंगे। तो अब इस बीटरूट को अच्छे से चला लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हलवा है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, जो दूध हमने डाला था वो भी इवेपोरेट हो चुका है। इस स्टेज पे हम हल्का सा घी और डालेंगे और इसको एक फाइनल टॉस कर लेंगे। लास्ट में घी डालने से हलवा में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अच्छे से इसको चला लीजिए और जब ये हो जाए तो इसको गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व कर दीजिए।
तो देखिए जो हमारा बीटरूट का हलवा था बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, बीटरूट बड़े ही सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी मेल्ट इन द माउथ बीटरूट का हलवा। इस सर्दियों में इंजॉय कीजिए और हेल्दी रहिए। हलवा के ऊपर से हम बचे हुए काजू से गार्निश कर देंगे और गर्मा गर्म इस हलवा को सर्व करेंगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।